सुंदर मंदिर आप कोयर वाली कोई बस गए राजस्थान सुंदर मंदिर आप कोयर वाली कोई बस गए राजस्थान ऊंची चोटी इसी कैसेट के सौजन्य से राजपूत कैसेट के माध्यम से एक नवीन कथा हम आप लोगों के समक्ष लेकर के जो चल रही हैं किस्सा ये राजा ग्रंथ के नाम से है जो पति और पत्नी में प्रेम के कहानी के ऊपर जो लिखा गया है कि पति और पत्नी में कितना हित था फिर एक दूसरे के पीछे एक दूसरे ने कितनी मुसीबतें उठाई। तो आ जाइए राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस्सा राजा ग्रंथ का पहला भाग। महाराज जो ग्रंथ नाम का एक राजा था सुंदर राजा ग्रंथ पढ़ो आनंद महल में भाई घर में इकलौता बेटा है के खुश है घर में माई राजा जो था उसके घर में एक ही लड़का था
और जब वो राजा कुछ समय के बाद में खत्म हो गया, और जब राजा खत्म हो गया है तो वह लड़का की शादी जो होती कुछ और तरीका से कर रही होती, जब वो पालना में हतो छोटो हतो तब शादी कर रही होती, लेकिन शादी करबे के बाद में भी राजा जो हते सो तो खत्म हो गए। अब धीरे 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 वो लड़का जो हतो लला सो कछु बड़ो भाव, और जब लड़का बड़ो भाव अपनी माँ के पास रहता रहा, अब बेटा सियानो जब भाव सुनो मित्र चितलाई, एक दिवस निज मात से तो केहन लगो समझाई। एक दिन माने कहा देखो है कि बाको एक दोस्त जो हतो सो अपनी विदा करवाए के घरे लाओ। शिकार खेलने के लिए जब वो राजा को लड़का गओ तो बाने और दशा देखी, कहू रथ पे काऊ की बहू जा रही है, काऊ की पालकी में बैठ के जा रही है लला। जब जब दशा देखी सोई बुआ अपनी मैया के पास और बोलो मैया एक बात हमें बता दे। कहा कि शादी सब की हुई गई अरे मेरी मैया, कोई मेरी फिक्र है की शादी हुई गई, लेकिन मैया तुम्हें हमाओ ब्याह करीबे की चिंता ही ना है। जिंदा जो होते मेरे बाबू लाया रे मेरी माता, लड़का बोलो जिंदा जो होते मेरे बाबू लाया रे मेरी मैया, मेरी शादी ले तेरा ने कही। आज हमारे पिता जिंदा होते तो हम कुआरे ना घूमते मैया। और जैसी जब तो माँ ने सुनी बेटा की बातें सुनने की लाल की अरे बरमा जी, कोई मैया की रीति गसा खाई। कही कि बेटा घबराए ना, अब तू ऐसी बात न करे। लड़का बोलो मैया अगर हमारे पिता होते तो हम ऐसे ना घूमते, अब हमारा ब्याह जरूर हो जातो। इतनी बात सुनबे के बाद में आज वह माँ को अपने पति की याद आई गई और माँ ने तुरंत ही जो है अपने लड़का को गोदी में लो लला। Oh,
आज तू हमें ऐसे ताने मार रहा है, ते पिता हमें छोड़ के चले गए और तो बारो छोड़ के चले गए, लेकिन तुम्हारी शादी जो भाई है अबे ना है, बारे पे भाई है, पालना में। और पालना की जब बात सुनी तो लड़का ने जा कही मैया एक बात हमें और बता दे। अरे बारे पे शादी भाई, अरे मेरी भैया ताको भेद कहरी मैया, अगर हमारे बारे पे ब्याह भाव है तो मुझे बताए दे, राह बताए दे ससुर की, अरे मेरी माता हम आबे बहुली भाई जी। हमें ना मालूम शादी में बेटा, शादी में नाई को, अरे मेरे लाला कोई पूछ लियो बस हाल जी। जब बताए दे अगर हमारे बाहरे पे ब्याह हो मैया तो हमारी ससुरार कहाँ है, ससुरार को हमें पतो बताए दे तो हम विदा करवा लाए, गोनो करवा लाए, और घर में तुम्हारे ऊपर वृद्धा बसता है, कमजोर होती चली जाती, घर में काम ज्यादा है। सोई जवाब दो बेटा, हमें तो ना मालूम, ऐसो करियो तुम हर के जब मोहल्ला में जो एक नाई रहा तो है ना, वो नाई तुम्हारी बरायत में और तुम्हारी बस शादी में गौ हतो, वो नाई से पूछ ले। इतनी सुन के लड़का जो हतो सो तुरंत ही लला धरे भाजो, सोचन लगो अब बेदा के बिना आप कहाँ चैन है। सब लड़का जो हतो अरे नहीं बेटा नी देर लगाई सुनके। अब लड़का चलो नाई के पास पहुंचो, दो हाथ जोड़े के बोलो एक बात हमें बता दियो। तो नाई बोलो बता, पूछो तुम राजा के लड़का हो, बताओ हमें जब बता दियो के कौन देश शादी भाई, अरे मेरे चाचा
हमें जब बताओ कौन काम शादी भाई अरे मेरे चाचा कोई बीजो विदा कराई अरे कौन दे शादी भाई अरे मेरे चाचा शादी कहां से भाई तो नाई बोलो लला गाँव ना जाने ससुरारे को अरे मेरे बेटा नाई ने कही गाँव ना जाने ससुरारे को अरे मेरे बेटा कोई रास्ता दिए जब बताओ हमारी ससुरारी कहाँ है तो नाई ने पुचकार की कही लला अब ससुरारी बाबू हम गांव तो भूल गए गांव तो हम भूल गए अब ऐसो करो हम तुम्हारे संग चले चले और संग चले के तुम्हारी विदा हम करवा लें। अब लड़का जो है तो सो नाई को संग लेके चलो और जब नाई को संग लेके चलो है आगे को बड़ो है तो अपने दोस्त को पठान को बने संग करो और जो दोस्त पठान है तो सो संग चलो है ससुरार को विदा कराए के लिए बन जा कही के ऐसो करो कस दूर लो तो संग हो यही हो फिर हम अपने ही ससुरार चले जाइए तुम अपने ही ससुरार चले जाइयो तो एक चौराहे पे जी पहुंच गए तीनों जब चले हैं राजा को लड़का नाई और पठान जे तीनों जब चले हैं और आगे बढ़ के एक शहर में जब पहुंचे हैं तो जवाब दो है कि ऐसो कर भैया अब चौराव जो है ना अब हमारी ससुरारे की तो रत्ता जाओ ते मैं वही है ना थोड़ी दूरी आती हाँ और तुम ऐसा करो तुम अपने ससुराल जाओ तुम चले जाओ दो दिन में तीन दिन में जब आओ तो मिलियो जब चौराहे पे जो तुम ना बाबू से विदा कराए के आ जाओ तो ले हम जाइए ना जब पठान निकले अबू तो हतो से चलोगो एक चौराहे पहुंच के पठान कई समझाई हम अपने ससुरार की अब पठान ने जा कही हम तो अपने ससुरारे को जाते तुम अपने ससुरारे को जाओ अब पठान अपने ससुरारे को चलोगो लेकिन वायदा जो करेगा कल ले वहां रुकियो परों विदा कराए लियो और यही रहियो चौराहे पे मिलियो हमें जा कही के पठान चलोगो अब नाई अब राजा को लड़का कहां पहुंचो अपने ससुरारे तो घरे ना पहुंच पाए थी खेतन में सीधे हो गए और खेतनम में जब सीधे हो गए सो बिन ने कहा देखो कि एक लड़की जो है वह खेत में बैठी है और वह लड़की लड़की ना हती ओनाई की पत्नी हती हाँ कोई कहू जान तो तान तो हतो ना पहली बार देखो हतो तो अब लड़की की ज्यादा सुंदरताई देख के अब लड़का बोलो चाचा नाई से अब ने रुक जाओ हमने तो बातें जा से करें तो नाई जो हतो से बोलो देखो लला बेमतलब की बातें अच्छी ना है हाँ पर आए गांव में ही है ना जान न पहचान काउ से कछु कहो कोई रेसो हो जाए तो नाई हतो सो तो अलग हटी गो जो कही कह लो जो कुछ कहो सो
अब लड़का व लड़की के पास ढाड़ो भाव और एक बात पूछी कि केना ले बबाई ताई जूना भी अरे मेरी लड़का बोलो केना ले बबाई ताई जूना भी अरे मेरी प्यारी कोई केना ले कराई तो लम्बो लड़का ने जब पूछी तो लड़की बोली तुम्हें का मतलब मतलब कछु ना बताए दे तब लड़की बोली बबुला बबाई ताई जूना भी अरे परदेसी कोई पिरा ना कढ़ाई तो लंबो टाणा जी अरे बबुला बबाई ताई जूना भी अरे जब लड़का ने पूछी जुनरी जे किन्ने बब्बाई दई किन्ने जो टाण गड़बाए दो तो लड़की बोली बबुल ने बबुल ने अच्छा एक बात और सुनियो तो भुंटा तो तू ही दीजिए अरे मेरी यारी बोले नाई बोलो ऐसो को लगा अब कुल बात है चल चल रे सो लड़का बोले चल तैने करके जा अब लड़की से माने कही भुंटा तो तू ही दीजिए अरे मेरी प्यारी कोई अपने काम ले जाही जी अरे भुंटा तो तू ही दीजिए अरे मेरी प्यारी कोई अपने काम ले जाही जी ऐसो करो जामे से तू भुंटा हमें दे दे तो लड़की बोली एक काम करो पक जाबे तब ले लियो अरे परदेसी पक जाबे तब ले लियो अरे परदेसी केना भुंटन में जब पक जाए तो एक दुई की कोक है दस बीस ले जाइयो ना उन फेरे कई लला हो चलो तो लड़का बोलो तो अब लड़का फिर से बोलो अबे ना हो तू जकात के जब पक जाए तब ले जाइयो लेकिन बात एक और है पक्षी तो आए करू दे सके अरे मेरी बल्ली तेरे भुंडा सब चुंगी जाई जी अरे पाजी तो कहिए कहू दे सके अरे मेरी रानिया तेरे भुंडा सब ले जाई जी तो बिटरिया बोली मारे मारे गुल्ला हमा मारे अरे परदेसी जवाब दो का उद्देश्य के पक्षी आए तो सब चुंग जाए हमें नहीं उतई दे के रह जाइयो अब जो कछु दे उस पकड़ाए दो हम लाए जाए तो लड़की बोली अब ना काते गए आइयो अब इन भुंटन में रस सुनाए अब हुन तेते अब नायु ने कह लेला अब तो चलो कुल देर हो गई ससुरार में पहुंचे में बेने के चंत है ससुरार में कहा है अब वे तुरंत ही वहां से चले अब गांव में घूमन लगे जब गांव में घूमन लगे तोले ब बिटरिया जो हती सोब भुंटन से घरे आई और घरे आए के तुरंत ही जो है सहेलियां सब बोली ऐसो करो चलो नहाया
अब वे ताल पर नहान पहुंची तोले बे नाई के संग घूमत घूमत बाई ताल पे फिर पहुंची गए। और जब फिर पहुंची गए सब लड़का बोलो चाचा हमें जब बाई मालम पत्ते है कि जो होना थी खेत में सुन जब जकई के जब बाई मालम पत्ते अपने कछु कहे हो रहू हम जा से तो बनाऊ ने जकई देखो लला हुन तो हारवा ही बात आती अकेली हती और हिन जो तुम कछु कहे हो तो मारो को दुखी ना रहे हो जो ध्यान राखो क्यों जाके संग में और सहेलियां हैं तो बोले चाहे कछ हो लेकिन कहें जरूर और हती बाकी औरत ही जानता हते ना एक दूसरे। अब बे भाई के ढेगा फिर ठाड़े भाई और फिर से प्रश्न करो ब लड़की से अरे किन ने खुदाई दयो ताल है अरे मेरी मामिया कोई किन ने बनाई दई जाकी ताल किन्ने खुदवाए दो जाने खूब भैंस सी लोक रही हो नहाए रही हो तो बेटरिया बोली खेत में तुम्हें आते फिर आएगी बबूला खुदाई दयो ताल को अरे परदेसी चलो आगे लो तो चले में ससुरारे की रत्तू ना मालूम पूछ के चले में पड़े जब जा कहीं पूछ के चले में पड़े सोई बे बोले रुक जा निकल के जा हम जाई से पूछेंगे तो वो लड़का बोलो भूली के लपताई दया रे मेरी रास्ता भूल गए तास है वो रास्ता बता दो हम काम में चले जाए लड़का ने जब पूछी अब हमें जब बता दो कि हम कौन गली तेम में जाएं क्योंकि हम रास्ता भूल गए हाँ और हमें बताओ हम काम में निकल जाएं तो अब लड़की ने इशारो का सुनाए करो वैसी मुंह से कही दई वाले मुंह से कही और जब कही देखो एक काम करो अब तुम रास्ता भूल गए ना सीधे चले जाओ सीधे बिल्कुल सीधे हाँ और आगे पेड़ या जहाँ सुमना को है घमासान जवाब दो आगे अखेबर को एक पेड़ है जहाँ चारों तरफ तोता मिलेंगे हाँ और फिर अंगेला हुई कोई आदमी मिल जाए तिनसे पूछ लियो सीधे चले जाइयो तो लड़का बोलो हम ऐसे ना है ऐसे ना है
अंगुरिया उठाए के बता, जब जा कई अंगुरिया उठाए के बताओ तो लड़की बोली अंगुली उठा बता करू तू अरे परमेशी कहीं ना अंगुरिया उठा के बताए दो कौन सी रत्ता में चले जाए। सो बिटरिया बोली अंगूठा अंगूठा और सिंगट उठाए अंगुरिया आवे ले। सो जब जा कहीं के अब तो बेइज्जती से ही गई। सो वो लड़का बात बदल के बोलो एक बात बता हमें, कहा के तुम घर कैसे पाला मारे मेरी नाऊ बोलो लला भाई चलो ले चलो जो सिंगर तो दिखान लगी। सब लड़का बोलो तुम घर कैसे पाल माया रे मेरी रानिया कोई भेजी जकई तुम्हारे घरे कैसे पति हैं जो तुम्हें यहीं छोड़ दो भले बद्दसी घूमती और जहां में भैंस से लोर रही है। तो वह लड़की बोली हम घर ऐसे बाल माया रे परमेश्वर तो से नौकर रहे और ना बेउ जानते थे। लेकिन वो लड़की बोली हम घर ऐसे पाल माया रे परदेसी तुमसे नौकर रहे दसा बीस जी हम घर ऐसे पाल माया रे परदेसी तुमसे नौकर रहे दसा बीस जी। लड़की बोली अब हमें तो पूछ ली, अब तुम्हें एक बात बता दो है, कहा बताए नाई ने फिर सारो करो लला भाई चलो। अब जाओ तुम जैसे तो नौकर बता दे चलो। तो वो लड़की बोली तुम घर कैसी गोरली अरे परदेसी कोई भेजी दे हो परदेसा जी तुम घर तुम्हारी औरत कैसी है जो तुम्हें बात करने में अकल ना है तो तुम्हें परदेशों भेज दो। तो वो लड़का बोलो हम घर ऐसी गोरली अरे मेरी मनिया तो सी गोबर उठारे दुए है जो तुम्हारे जैसी औरतें बाकी सेवा करती घरे गोबर डालती। अरे जब जवाब तो सुनी तो बोले चलो सही है ना ही नहीं कही लला चलो कुल देर हो गई। तो जवाब दो अब हम कछ और कहीं कहीं। लड़का बोलो ऐसो करो तुम्हारे घरे ऐसे पति हैं जिनके घरे हम जैसे 10-20 नौकर रात हैं और हमारे घरे ऐसी पत्नी है जो तुम्हारे जैसी सेवा करती। बाकी हमारी समझ में एक और बात है कि हम तुम दोनों एक समान लड़का व
औरत से बोलो, हम तुम दोनों एक समाना, मैं तेरी सूरत पे दीवाना, मान ले तुम मेरो कहना, तजके मोइना घर को जाना, कई देखो तुम और हम बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तासे ऐसो करो अब तुम घरे मन जाओ और तुरंत यहीं तक चलो हमारे घोड़ा बैठ लो और चलो हम तुम्हें अपने घरे ले बाय चले। सो इतनी बात जब सुनी सो बिटरिया जो हती सतर पड़ी गई। हाँ अब जका मालूम हती कि जय हमारे पति। सो लड़की नी बात से बोली के हंसा न की रे हम से कौन से जो रे बनाई दो चलो नहीं बोलो तबाला सयरे मेरे बेला कोई आई गई है ससुराल जी अरे नहीं बोलो तबाला सयरे मेरे बेला अरे आई गई है ससुराल जी बे पति पत्नी सो बोलो ऐसो करो चलो अन्य और गांव में घूम ले अब संजा जो हो या तब ससुरारे पहुंची चले। लड़का जो हतो सो अंगेला को चलो गो और बे जाए कि घरे पहुंची सुन गगरिया उठाई और पानी भरने के लिए चल नहीं उन्हें कि बहुत जाए कही जने कहाँ चलेंगे तो मतलब घर में बूंद भरी पानी ना है। सो बे जाए कि कुआ पे जब पानी भरने लगी और सखियन के संगम सो घूमत घूमत बे फिरियो वहीं लगे आए और जब फिर यू लगे आए सोई नाई से कही के हमें जब भाई मालम पते ताला भाई दो बातें और कर ले और जब कही और दो बातें कर ले सो नाग बोलो हमें लगा साका में पिटा भाई और मैं तो रान ना दियो वाले ससुराल में विदा करवाने के लिए आए अब मन तो वाले कहुटा बनाए दो इन बिना मारे ना छोड़िए ताजे ऐसो करो चलो। सो बोले तो तुम ही चले जाओ हम कहिए जरूर कह ले तो अब लड़का ठाड़ो बाबा भाई बिटरिया से भरे बोलो के मारी मारी प्यासा ना हम मारे पानी पिला दो हमें प्यास लगी। तो बिटरिया बोली पानी तो बाप के नौकर लगे हमसे पानी कच्चे घना कुम्हार के
मेरे प्यारे मेरे घर छुअत है लड़कीन जे कही जे घड़ा से हमका वहा त ना लगान देता और ना हम पानी पियाए मत जाओ चाहे जिंदा रहो चले जाओ। दूसरी सहेली बोली ऐसो कर ऐसो कर अब जो आओ है तो पियाए दो पानी पियाए दो न जाने कब को हारू थको है और न जाने को है पानी पियाए दो पानी ना कब पानी के लिए कोई नाही करतो पियाए सब बेटरिया ने महेशु कछो और करू अब भज के गई एक लोटा उठाई लाई और लोटा भरे के माने घूंघट मार लो घूंघट मार के तब भाई पानी पियाने को जैसे चली सोई बु पिछेला ठीक हो बाने की हां ऐसा ना पानी भी है अब लड़का बोलो बा लड़की से अरे अंधरे पानी हम ना पिए अरे मेरी प्यारी कोई नहीं अंधरे को मेला लगी अरे अंधरे पानी हम ना पिए अरे मेरी प्यारी अरे नहीं अंधरे को मेला लगी जो घूमो तो काहे को मान लो अंधे के हाथों लोग हम ना है पानी पी तो वो बेटरिया बोली घूंघट मने जा से मान लो घूंघट में बाग में बसा रे परदेसी कोई खोल तले तो ही खाई दी अरे घूंघट बसते और जब घूंघट खोले के हम का उसे बात करे तो खा लेते सो लड़का बोलो चुपेरा घूंघट में नाग नहीं बसते घूंघट में नाग नहीं बसे अरे मेरी प्यारी कोई खाई ले दसावी सजी अरे घूंघट में हमारे घूंघट में नाग नहीं बसते तासे हम घूंघट खोल के पानी ना पिए सो लड़का बोलो चुपेरा नाग नहीं बसते ऐसे तो रोज खाते हो या काऊ ना काऊ और जब रोज खाते हो या तो तू कैसे जिंदा कर लेते तो वो लड़की फिर बोली और जब आप दोस्तों में ना माला परदेसी किस्सा शुरू हमारे भाई की अरे परदेसी बनाई तो उन्हीं के कहते हती लेकिन हमें लगा सब ही बोल तो ढीले हते सब ना पाई हाँ वो लड़की बोली ससुर हमारे भाई की अरे परदेसी मेरी सब जादूगर हैं तासे सब रोज जिंदा कर लेते हैं सो बोलो हम मानेंगे ना पानी जरूर पिए और सो ऐसे ना पिए मुंह खोल के पानी तुम हमें पियाओ जब जकई के मुंह खोल के पानी पियाओ सोई ब लड़की ने जैसे ही मुंह खोलो लला और बाके बाद में पानी जब पियाओ अब पानी तो बे मुंह से पियन लगे लेकिन बन की नजर जो हती सो चेहरा पे जमी के रही गई रही गई और जब नजर चेहरा पे
जमिके रह गई तब हुअन। अरे पानी पीबो भूल गए के गिर गए सुंदर हती के जैसे ही बे उनकी सूरत देखता ही देख और जब वे गिर पड़े तो अब ना ही बड़ो परेशान में तो पानी भर के घरे चली गई। बैठा ले और बैठारबे के बाद में जार पहुंच गए फिर सही कर ले और जकई लला ऐसो करो अब चलो उठ चलो बाई समय पे चले और आगे चले। लड़की जो हती सो घर को चली लेकिन सहेलियन के बीच में रुकी रही उन बातन में लगी रही ताते पहले ही जो हते सो बे ससुरार में पहुंच गए। अब जब ससुरार में पहुंच गए सोन की भौजाई ने लड़की की भौजाई ने जब देखी कि बेटी आ पानी भरने गई सो बहिना आई सो भज के गई और माने हाथ में तो घड़ा छीन लो जकई तुम ऐसो करियो बगली ते मैं घूम के जाइयो हाँ दूसरे द्वार में निकल जाइयो क्योंकि तुम हमारे में आई गई आज आई। अब वे जो है वे दूसरी गली ते में निकल के गई लेकिन मैंने देख तो लई वे सोचन लगे जे तो भाई है संजा भाई। और संजा जब भाई है संजा जब भाई सो बाई समय पे बल लड़का के ले उनकी भौजाई ने यानी उनकी सराज ने लड़की की भौजाई ने छत के ऊपर जाए के सुंदर सेज लगाई के लए बुलाई कुमर तारी और नाई को चौपार में एक खटिया के बाद में उन्हें तो लेटा ही दो और फिर अपनी नंद सकई
नाई के लिटाई दो और नाई के चौपाड़ पे एक अलग गया घटिया लला वन डाल दई और वन डालबे के बाद में बा भावज ने बड़े सुंदर भोजन बनाए फिर जाके ये सो करो लली जो थार लाइन जाओ और खाना खवाया ऊपर जाओ खाना खवाया। अब उनने तो भेजो उन्हें ऐसो करियो ने घूंघट उंगट मारे के तमीज से जाइए अब देखेंगे का कहीं अब बिन्ने कहां मालूम हती सो बिन्ने जो है ब लड़की भेजी तो हाथ में थाली लेके चली दही अरे मेरे भैया कोई सिंगार करके हाथ में पकवान को थाल लेके अब चली हुन सो चंती चली गई और जैसी बिन्ने पायल की झनकार सुनी छम छम आई गई सोई बिन्ने के बाद देले और सोचन लगे जब भय तो है जाने जा कही थी तो से कौन से हम ना ये तो करेंगे के बार जब लगे देखे मीठी मीठी बातें कर अरे मेरे सजन मैं खोलो बजू रखी के बार धीरे धीरे तो खटकाती नहीं हूँ हाँ और लगे तो उतर लेते रहते तो फिर धीरे धीरे आवाज लगाई कि के बार खोलो खोलो ना कितनी कड़ाके की सर्दी है अब के बार खोलो इन तो ठंड के मैं दांती बजाते तो वो लड़का ने भीतर से कही हंस लकी रे तू हंस अरे हमसे कागन से जोर काहे कई तू तो हंसन की हंसनी है हम जैसे कहुटन के देखा काहे को आई भूल गए अबे हमें लगा तो जत्ते ही मौत हुआ तो जने कहा बाने तो बेचारी ने सही कही बड़ाई तो नहीं की करी लेकिन बे समझ ही ना पाए अब भाव ऐसो पूरी रात बेटरिया बेचारी ठंड में ही डरी रही नीचे बिन की भौजाई ने के बार बंद कर लाई सो बे ना नीचे के ना ऊपर रखी वहीं डरी रही सारी रात बीच में लटकी रही सवेरो जब भाव सोई बिन ने कही अब हमारी विदा करो और जब कही जब विदा करो तो उनके ससुर ने कही कि रुक जाओ फिर करवा लियो विदा कोई बात बिन्ने ना मानी और जब बात ना मानी सो बहुत फुर्ती करी अरे लीनो रथ को सजबाई Oh,
करवाई और विदा करवाए के बाद में भैया और वे तुरंत ही जो हते सो लेके चंदे अब नाई ने जकई तू ऐसो कर लला अब रत्ता जा नहीं गो अब हम अपने ससुरारे को जाते हैं और तू विदा करवाए के ले आओ तू घर जा। सो नाई जो हतो सो वहीं ते अपने ससुरारे को चलोगो। अब वे जो रथ में बैठी हती बेचेता होता हूँ ना बे बेचारी बातें करती हैं लेकिन गमन दुखा अबे बिन कबूतर है मना है तो बिन सोची है हमें तो जाए समझ पाए ना। अब ऐसो भाव के रथ को लेके पे ना चलो अरे मेरे दादा कोई बैठी भी हाथा संग में नारे सोई गई बिन्ने सोची जू मौका अच्छो लगो। सो बिन्ने रथ और औरत हुई छोड़ दई सोवत भाई और तुरंत ही हुन से भाज के जो पठान से वायदा करके आए तो बाई चौराहे पे लला लगे जाए और जब बाई चौराहे पे लगे जाए ये बिटिया जगी तो पति को जब नाए देखो बेचारी बैलन से हाथ जोड़े के बोली भैया हम रास्ता तो जानते ना है तू हमें पिताजी के घर पहुंचा दे। अब लड़की पिताजी के घर को चली पिताजी के घर को चली ये पठान ने पूछी काहे रे तू खाली हाथ काहे को आओ। जवाब दो भैया बन जा कही हम हंसन की हंसनी है। अब ऐसो भाव लड़की जो हती सो पिताजी के घर को चली तोले चोर मिल गए तो भाई बीच में से पकड़ ले गए। तो अब आगे क्या हुआ इंतजार अगले नंबर का। लड़का ने किस तरह से दोबारा इस लड़की को पाया और कैसे इसने इस लड़की के पीछे मुसीबतें उठाई मजदूरी तक की है तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का।